राजा मिदास बहुत धनवान था। सोना चांदी उसके महल में भरा पड़ा था। उसने सारा धन एक तहखाने में छिपा कर रखा था, किंतु वह बहुत लालची था और चाहता था कि उससे अधिक दौलत किसी अन्य राजा के पास ना हो। वह बड़ी सावधानी से अपने धन की रक्षा करता था और तहखाने में ही सोता था। प्रतिदिन वह अपनी दौलत को देखता और प्रसन्न होता। एक दिन सायकाल के समय मिदास अपने तहखाने में बैठा अशर्फियां गिन रहा था कि अचानक कहीं से एक अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिदास बहुत बुरी तरह घबरा गया। यह व्यक्ति आया कहां से, मिदास सोचने लगा। मिदास को हैरान देखकर अजनबी ने कहा, डरो मत मिदास, मैं देवता हूँ, लक्ष्मी का पुत्र हूँ। तुम बहुत समय से लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मिदास की खुशी का क्या कहना, वह सोचने लगा क्या मांगू। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि वह ऐसी शक्ति देवता से मांग ले कि जिस चीज को वह छुए वह सोने में बदल जाए, तो वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन सकता है। यह सोचकर मिदास ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दे कि जिस चीज को भी छू लूं वह सोने में बदल जाए। देवता ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा, और वह वहां से गायब हो गया। सुबह हुई, मिदास रात भर सो नहीं सका था। कब सुबह हो और कब वह देवता की कही हुई बात की सच्चाई जाने। मिदास ने अपना हाथ पलंग पर रखा, फौरन पलंग सोने का हो गया। मिदास खुशी से नाचने लगा, कितनी विचित्र शक्ति मिली थी उसे। मिदास दौड़ता हुआ बाग में गया, पेड़ों को छुआ तो पेड़ सोने के बन गए, फूलों को छुआ तो वे भी सोने के फूल बन गए। खाने का समय हुआ और मिदास भोजन करने बैठा, किंतु यह क्या, उसके छूते ही रोटी सोने की बन गई। मिदास ने जल्दी से दूसरी रोटी उठाई और एक टुकड़ा मुंह में डाला, रोटी गर्म थी, एकदम गर्म सोने का डला बन गई और मिदास का मुंह जल गया। अब राजा परेशान हो गया, खाना कैसे खाए, भूख के मारे बुरा हाल था। तभी उसकी बेटी रोती हुई उसके पास आई, पिताजी मेरे फूलों को पता नहीं क्या हुआ, आकर देखो। फूलों को बदला हुआ देखकर वह भी दुखी थी। राजा ने आगे बढ़कर उसे गोद में लेना चाहा, किंतु उसके छूते ही उसकी बेटी एक सोने का बुत बन गई। मिदास चीख उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी ना बोलती थी, ना चलती थी और ना हंसती थी। उसकी विचित्र शक्ति उसके लिए बहुत ही कष्टदायक सिद्ध हुई। ऐसी दौलत को लेकर वह क्या करेगा, मिदास फूट फूट कर रोने लगा। सायंकाल को मिदास को फिर उस देवता के दर्शन हुए। देवता ने कहा, मिदास खुश हो। नहीं महाराज, वह रोता हुआ देवता के चरणों से लिपट गया, मुझे माफ कर दो भगवान, अपनी दी हुई शक्ति वापस ले लो, मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे भरपेट भोजन चाहिए, हंसती खिलखिलाती अपनी बेटी चाहिए। देवता को उस पर दया आ गई, उसने एक घड़ा पानी उसे दिया और कहा, तुम जिस चीज पर भी इसे छिड़कोगे वह वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। मिदास ने घड़ा ले लिया और सब चीजों पर घड़े का पानी डालने लगा। उसकी बेटी भागकर उसके गले से लिपट गई। बाग के फूल अब फिर पहले की ही तरह सुंदर लग रहे थे। मिदास ने फिर कभी धन का लोभ नहीं किया।